आज मैं आपको बंगाली स्टाइल तलपी फिश करी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने जो सामग्रियां ली वो हम देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे 3 चम्मच पीली सरसों ले ली है, 8 से 10 सूखी लाल मिर्च ले ली है, 2 गांठ लहसुन को इस तरह से छिलके ले लिया है। तीनों सामग्री को पीस के हम इसका पेस्ट बना के तैयार करने के 2 किलो तलपी फिश ले लिया है, तरीके से धो के साफ कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। के लिए सबसे पहले मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच राइस फ्लोर डाल दूंगी। चावल का आटा यूज करने पे हमारी फिश बहुत अच्छी फ्राई होगी और बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। 1 चम्मच मैं नमक डाल दूंगी इसके अंदर। हाथों से इसे मैरिनेट करते हुए हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मसालों के साथ। फिश को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब अपनी फिश को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने तेल डाल दिया था। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। मेरा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम उसमें अपनी फिश डाल देते हैं। फिश फ्राई करते वक्त हमारा तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, जिससे हमारी फिश बिल्कुल अच्छी फ्राई होगी। मैंने अपनी मछली को तेल में डाल दिया है। हम अपनी फिश को हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। मेरी फिश एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। फिश फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। तो एक एक करके मैं तेल से निकाल लेती हूँ। तरीके से हम सारे फिशेस को फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई करते वक्त हम तेल को बिल्कुल गरम करेंगे। तेल में मैंने फिश फ्राई की थी, उसी तेल में मैं मेथी डाल दूंगी। मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया था। अब इसे चटकने देंगे। इसे ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें अपना सरसों वाला मसाला जो हमने पीस के तैयार किया था उसे हम डाल देंगे। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। जार में मैंने पानी डाल के इस जार में जो मसाला थोड़ा सा बच गया था उसे पानी डालकर हमने अच्छे से जार का पानी हमने अपने मसालों में डाल दिया है। जार का पानी हमने जो सरसों वाले मसाले में डाल दिया। अब अच्छे से हम अपने मसाले को भूनेंगे। मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया। अब मैं इसे मिक्सी जार में पीस लूंगी। सरसों वाले मसाले ने इस तरह से तेल छोड़ दिया। अब मैं अपने टमाटर की प्यूरी डाल देती हूँ। मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। मैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। अब इन सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मसालों में पानी डाल देती हूँ। इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। अब अपनी ग्रेवी को थिक होने तक अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से अपनी सारी फिशेस को फ्राई करके तैयार कर लिया था। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें अपनी फ्राई की हुई फिश डाल देती हूँ। एक एक करके अपने सारे फिशेस को डाल देती हूँ ग्रेवी के अंदर। मैं अपने सारे फिशेस को इस तरीके से ग्रेवी में डाल दूंगी। अपने सारे फिशेस को ग्रेवी में डाल दिया है, अब मैं इसमें 1 उबाल आने तक इसे अच्छे से पकाऊंगी।
मैं इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। मेरी फिश करी बन के तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। टेलीपी फिश करी बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टेस्ट ऑफ टारगेट को सब्सक्राइब कर दें, हमें लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको टेलीपी फिश करी की रेसिपी कैसी लगी है।